गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखवाया था। आज मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय लिखवाने जा रही हूँ, तो आप लोग अपने क्लास वर्क कॉपी को ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट जो है प्रश्न आपका है, सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर होगा, सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने का यह तात्पर्य है कि सुबह सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज नहीं होती, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सूर्य की किरणों में तेजी आती है और धरती का तापमान भी बढ़ने लगता है। आंसर फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने का यह तात्पर्य है कि सुबह सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज नहीं होती, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सूर्य की किरणों में तेजी आती है और धरती का तापमान भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नलोक के पलों को क्षण भंगुर के समान क्यों कहा गया है। इसका आंसर, स्वप्नलोक के पलों को क्षण भंगुर के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वप्नलोक की दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं हमारे साथ घटती है वह नींद खुलते ही एक झटके में समाप्त हो जाती है। स्वप्नलोक के पलों को क्षण भंगुर के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वप्नलोक की दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं हमारे साथ घटती है वह नींद खुलते ही एक झटके में समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको दीर्घ उत्तरीय का दो क्वेश्चन आंसर लिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको मैं कल लिखवाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग का होमवर्क होगा, लर्न फुल पोएम ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू।